हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम टेबल बनाते हैं तो उसका जो बॉर्डर होता है, अगर उसको हमें डबल लाइन बॉर्डर में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल हमने बनाई हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने हिस्से पर भी आपको डबल लाइन बॉर्डर बनाना है उस हिस्से को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए कि इस पूरी टेबल को हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में होम टैब पर। ये रहा होम टैब। होम टैब में हमें यहाँ फॉन्ट वाले सेक्शन में इस छोटे से एरो पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये देख रहे हैं फॉन्ट सेटिंग का ये एरो है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें जाना है बॉर्डर पे। ठीक है, ये रहा बॉर्डर का ऑप्शन। तो जब आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन नीचे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, स्टाइल में जा करके यहाँ पर देखिए ये है डबल लाइन बॉर्डर का ऑप्शन, इसको हमने ये देखिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी स्टेप है, इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको, अगर हमें सिर्फ बाहर बाहर डबल लाइन बनाना है तो आउटलाइन सेलेक्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि बाहर के साथ साथ अंदर की भी जो बॉर्डर है वो डबल लाइन आ जाए तो हमें इसको भी सेलेक्ट करना है। इन दोनों को हमने देखिए सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन है, अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन भी हैं। फिलहाल हमने आउटलाइन सेलेक्ट कर लिया और इनसाइड जो बॉर्डर है दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप देखिए डबल लाइन में आ चुके हैं। ये देखिए, ठीक है।